मैं मौजूद हूँ दामनकों के एक ट्रेल के ऊपर। बहुत खूबसूरत जगह है और ये पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते, तो जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बंदर और दीगर जो हैबिटेट है, यहाँ पर जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर ओवरऑल इस दामनिको की बात करें तो यहाँ पर जो सूरतहाल है तरक्याती काम की, तो वो कुछ भी नहीं हुआ है। जगह जगह छोटी छोटी जो फुटपाथ से वो टूटी फूटी पड़ी हैं और इसके अलावा कचरे का अंबार है। लेकिन ये कि साथ ही साथ खूबसूरती में इजाफा यूँ हुआ है कि यहाँ पहले इतनी कम तादाद में होते थे बंदर, लेकिन अब ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आएंगे। हम घर से रोटी लेकर आए थे और हमने बंदरों को रोटी खिलाई और बड़े मज़े मज़े से बंदर छोटे बड़े आके हमसे रोटी लेते रहे हैं, वो खाते रहे। और बहुत ही एक पुरलुत्फ़ जगह है। यहाँ पर अमूमन ये कोशिश करनी चाहिए कि ये पेंडेमिक के इस दौर में फैमिलीज़ लाजमी आएँ, लेकिन साथ साथ मास्क पहन कर आएँ और सैनिटाइज़ होकर यहाँ आएँ और ये जो हैबिटेट है, ये जो खूबसूरती है, इसको इन्जॉय करें। तो आज हम यहाँ आए, हम फैमिली के साथ आए और हमने बहुत सारे बंदर देखे, छोटे बड़े बंदर देखे। हमने बंदरों को रोटी खिलाई और बहुत ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया। मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं बहुत सारे बंदर मौजूद हैं और इंसानों का इनसे इंटरेक्शन, एक वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत होनी चाहिए और वाइल्ड लाइफ को के अंदर आना अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पेंडेमिक की वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुई, तो हैबिटेट में इजाफा हुआ है मार्गला हिल्स पर। और इसका एक बेनिफिट ये है कि जो हैबिटेट मादूम होता जा रहा था वो वापस अपनी जगह आ गया है। और एक तरह से इसकी ये जो क्रीचर्स हैं, बहुत सारे क्रीचर्स जिसमें चरिंद परिंद हैं और मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो इस पुरलुत्फ़ माहौल से सबको इन्जॉय करना चाहिए, साथ ही साथ इस माहौल का ख्याल भी रखें। यहाँ पर लोग कचरा आके फेंकते हैं, कचरा ना फेंकें बल्कि इस माहौल को बचाने के लिए इकदाम उठाएं। साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि सीडीए, जिसके पास तकरीबन 49 बिलियन का बजट है, तो बहुत बड़ा बजट है, थोड़ा बजट यहाँ भी नज़र आना चाहिए सीडीए के बजट में से। और हमने देखा कि यहाँ पर जो फुटपाथ हैं वो टूटी फूटी पड़ी हैं और इन फुटपाथों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। पहले का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ताकि यहाँ जो भी सयाह आते हैं, यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के लोग आते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं, कम से कम वो ये तासर ना लें यहाँ आकर कि यार ये बहुत गंदगी और गलाजत है, और उससे ये एक इम्प्रेशन ना चला जाए। और साथ ही साथ जो लोकल सयाह आते हैं उनको भी चाहिए कि अपना जो ट्रेश है वो अपने साथ लेकर जाएँ, ताकि ये जो माहौल है उसमें गंदगी ना हो, गलाजत ना हो। सीडीए को भी इस इलाके को अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हमने देखा जा बजा हमने कचरे का ढेर देखा और साथ ही साथ ये जो जो फुटपाथ बने हुए हैं वो भी टूटे फूटे पड़े हैं, तो इसकी अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बेतहाशा बजट सीडीए के पास पड़ा हुआ 49 बिलियन का बजट है जो कि खर्च होता हुआ नज़र नहीं आता। इस साल हमने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर कदर बेहतर जो है इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं और उसमें पार्क्स को अपग्रेड किया जा रहा है, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल है। तो ऐसे में जंगली हयात का तहफ़ हमारा काम है, हम इनकी ज़िंदगियों में इंटरवीन ना करें लेकिन इनकी बचाव के लिए हम इकदाम उठाएँ। तो इस तरह से ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन की कमी की वजह से हैबिटेट बढ़ गया है और इस हैबिटेट का हमने ही ख्याल रखना है। और हमें बहुत सारे ऐसी क्रीचर्स थी जो मादूम होती जा रही थी,
अब वो क्रीचर्स जो है रिस्टोर हो रही हैं इस पैंडमिक की वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने की वजह से। तो इस तरह से इस माहौल को एक बढ़ावा देने के लिए, इस माहौल के तहफ़ के लिए हर इंडिविजुअल को इकदाम उठाने चाहिए, छोटे बड़े सबको ये स्विक सेंस होना चाहिए कि जो हम अपने साथ अशिया लेकर आते हैं, अपने छोटे छोटे बैग्स में डालें, वो ले जाके प्रॉपर हम ट्रेश में डंप करें, ताकि यहाँ पर जो हैबिटाट है वो मादुमियत का शिकार ना हो, जो ह्यूमन ये जो नेचर है, जो कुदरत का हुसन है वो ख़राब ना हो। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी, तमाम देखने वालों से गुजारिश होगी कि मरगला हिल्स का आप तहफ़ करें, यहाँ के नेचर को इन्जॉय करें, यहाँ के नेचुरल लाइफ के अंदर इंटरवीन ना करें, बल्कि साइड बाई साइड आप कोशिश ये करें कि यहाँ पर जो बंदर वगैरह हैं और ये दीगर जो हैबिटाट है उनके साथ लाजमी एक वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उसको नुकसान ना पहुँचाए, उसको तहफ़ फराहम करने की कोशिश करें।